Now we will read part 2. The Smith family from Southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tally Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. Smith family, जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड की रहने वाली थी, were celebrating Christmas at a beach. वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे कहाँ पे? बीच पर, बीच रिसोर्ट पर, जो कि थाईलैंड में था. ठीक है. टैली स्मिथ 10 साल की एक स्कूल गोइंग गर्ल थी और उसकी जो सिस्टर थी वो 7 ईयर ओल्ड थी. उसके पेरेंट्स पैनी और कॉलिन स्मिथ थे. इट वाज 26 दिसंबर 2004. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. 26 दिसंबर 2004 का दिन था. सुनामी की वेव्स आई उनके रास्ते में, कह लो, या उनके लाइफ में उस दिन जो वेव्स आई थी सुनामी की. दे हैड बीन ट्रिगर्ड. ट्रिगर्ड का मतलब होता है कॉज्ड. डिस्क्राइब ए सडन वायलेंट रिएक्शन हेयर एंड अंडर सी अर्थक्वेक. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक. एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था. मैसिव होता है बहुत भयंकर. अर्थक्वेक आया नॉर्दर्न सुमात्रा में सुबह के टाइम. द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. जो पानी था, लहरों के साथ जो पानी था वो अंदर आ गया. पैनी स्मिथ रिमेम्बर्ड. पैनी को याद आता है उस टाइम की बात, उस दिन के बारे में वो याद करती हुई कहती हैं कि पानी अंदर आ रहा था. द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. और बीच जो था वो पानी के साथ छोटा होता जा रहा था. आई डिडेंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है. बट टैली स्मिथ सेज दैट समथिंग वाज रॉन्ग. लेकिन टैली स्मिथ को, स्मिथ को ये पता चल गया. उसको ये सेंस्ड का मतलब होता है उसको, उसकी सेंस ये बता रही थी कि कुछ गलत होने वाला है. उसको ये लग रहा था. हर माइंड कैप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. टैली स्मिथ को वो सारी बातें, वो ज्योग्राफी का लेसन याद आ रहा था जो उसने इंग्लैंड में 2 वीक्स पहले ही पढ़ा था थाईलैंड अपनी फैमिली के साथ आने से पहले. टैली सा द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स. टैली ने देखा कि समुद्र जो है धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है. उस समुद्र की लहरें जो हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठ रही हैं और फोम बन रही है, बबल्स क्रिएट हो रहे हैं और वर्लपूल्स होते हैं, भंवर बन रहे हैं. ठीक है. पानी से जो गोल गोल शेप में पानी घूमता है उसको वर्लपूल्स बोलते हैं. ठीक है. शी रिमेम्बर्ड. उसको याद आता है दैट शी हैड सीन दिस इन द क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946. उसे याद आता है कि उसने क्लास में सुनामी के बारे में एक वीडियो देखा था, जो कि वीडियो था किसके बारे में, हवाई आइलैंड जो 1946 में सुनामी वहां पर आई थी. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो. उसकी ज्योग्राफी टीचर ने ये वीडियो उनको दिखाया था क्लास में एंड टोल्ड देम, और उनको बताया था दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड. सुनामी किस वजह से आती है? अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनोज की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से सुनामी आती है. टैली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. टैली, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना.
टैली चिल्लाई अपनी फैमिली को कि टू गेट ऑफ, इस बीच को छोड़ दो. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल. शी सेड हर मदर पेनी हिस्टेरिकल्स मीन्स व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट लाफ और क्राई इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल. अब देखो उसकी मॉम सेड हर मदर पेनी, अपनी माँ से वो कह रही थी टेली अर्थक्वेक के बारे में, समुद्र के नीचे भी अर्थक्वेक आ रहा है और पानी जो है वो समुद्र का पानी जो है वो उसकी लहरें जो हैं ऊपर उठ रही हैं. शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो ऐसे शाउट चिल्ला रही थी, मतलब उसको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो हंस रही है, रो रही है और एक्साइट हो रही है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं था उसका अपने ऊपर. बस वो अपनी मदर से ये कह रही थी कि फटाफट इस बीच को खाली कर दो. आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज, मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होती है. बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड, बट पैनी जो कि उसकी माँ ये बात कहती है कि मुझे नहीं पता सुनामी क्या होती है, लेकिन मैं अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देख रही थी. आई थॉट, मैं ये सोच रही थी समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ बहुत बुरा होने वाला है. टैलीज पेरेंट टुक हर, टैली के पेरेंट ने उसको लिया एंड हर सिस्टर उसकी सिस्टर को लिया अवे फ्रॉम द बीच, बीच से निकले वो टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल की तरफ गए. ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, कई और टूरिस्ट जो वहाँ पर आए हुए थे बीच पर उन्होंने उनके साथ उस बीच को छोड़ दिया. देन इट वाज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, ऐसा लग रहा था. आई वाज स्क्रैमिंग रन, ऐसा लग रहा था मानो उनके बीच को खाली करने के साथ समुद्र भी उनके पीछे पीछे चला आ रहा है. मैं चिल्लाई भागो. द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. फैमिली जो थी उसने कहाँ पे रिफ्यूजी होता है शेल्टर, कहीं पे शेल्टर लेना, शेल्टर कहाँ हुए वो होटल के थर्ड फ्लोर पे. द बिल्डिंग विदस्टूड ए सर्ज, विच टू द सर्ज ऑफ थ्री सुनामी वेव्स. द इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. जो बिल्डिंग थी विच टूड ए सर्ज, सर्ज का मतलब होता है फोर्स, ठीक है. विच टूड का मतलब होता है एंडोर्ड विदाउट कोलेप्सिंग, कोलेप्सिंग होता है मतलब गिर नहीं सकती थी, ठीक है. सर्ज बहुत फोर्स के साथ ऑफ थ्री सुनामी वेव्स, वो जो सुनामी की वेव्स आ रही थी वो जो होटल की बिल्डिंग थी वो इतनी मजबूत थी कि वो तीन सुनामी की जो वेव आई थी उसमें टिकी हुई थी, गिरी नहीं थी. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर रुकते तो वो जिंदा ना बचते. द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज. बाद में स्मिथ जाकर उन टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपनी फैमिलीज को खो दिया था. थैंक्स टू टेली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, थैंक्स करते हैं हम, धन्यवाद करते हैं टेली का और उसके ज्योग्राफी लेसन का. दे हैड बीन फोरवार्न्ड, मतलब कि जिसने पहले ही, फोरवार्न्ड का मतलब होता है कि पहले ही सचेत कर दिया, ठीक है. टैली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टैली जब अपने स्कूल इंग्लैंड में गई एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, उसने अपने क्लासमेट्स को इस टेरिफाइंग यानी डराने वाली स्टोरी के बारे में बताया. कॉम्प्रिहेंशन चेक, इसमें भी आंसर द फॉलोइंग इन ए फ्रेज और सेंटेंस, सेंटेंस में आपको आंसर देना है. देर आर फोर क्वेश्चंस अबाउट दिस पैराग्राफ, आपको आंसर इसी में से मिल जाएंगे. प्लीज़ डू द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. नाउ आई विल स्टार्ट पार्ट थ्री. बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन द इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स
seemed to know what was about to happen. They fled to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher grounds. Dog refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be entreated to come back out. इसमें बताया हुआ है कि बहुत बड़ी जब सुनामी जब आने वाली थी, बहुत बड़ी वेव्स आने वाली थी, आ रही थी, टकराई या फिर आई. बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इन टू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, श्रीलंका और इंडिया में सुनामी की सुनामी आने से पहले जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो ऐसा लग रहा था जैसे उनको सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है. वो दे फ्लीड टू सेफ्टी, वो सेफ्टी प्लेसेस की तरफ भाग रहे थे. अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस अकाउंट्स, यानी कि जिन्होंने ये देखा उन्होंने ये बताया कि एलिफेंट्स जो थे वो चिल्ला रहे थे एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, और भाग रहे थे किधर, किसी ऊंचे ग्राउंड की तरफ भाग रहे थे. डॉग्स जो थे वो घरों के अंदर नहीं जा रहे थे. फ्लेमिंगो एक बर्ड होता है, अबैंडन्ड देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लेमिंगो अपने जो ब्रीडिंग एरियाज थे जो कि नीचे था, लो लेइंग यानी कि जो नीचे था उसको छोड़कर जा रहे थे. एंड जू एनिमल्स अपने शेल्टर्स में, अब जहां वो रहते थे उसकी तरफ, शेल्टर्स की तरफ भाग रहे थे. एंड कुड नॉट बी एनिक्टेड टू कम बैक आउट, और बाहर नहीं निकलना चाहते थे. मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेज इज सिक्स सेंस एंड नो वेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक. सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. कई लोग ये विश्वास करते हैं कि एनिमल्स में सिक्स सेंस होती है, यानी कि एनिमल्स किसी भी खतरे को पहले ही जान जाते हैं. तो एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और उनको ये भी पता चल जाता है कि कब अर्थक्वेक आने वाला है. कई एक्सपर्ट ये बिलीव करते हैं कि एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स, यानी कि उनकी जो सुनने की और सूंघने की जो शक्ति होती है उनको ये अर्थ की वाइब्रेशन को बता देती हैं कि अर्थ वाइब्रेट कब कर रही है, ठीक है, यानी कि अर्थ शेक कब कर रही है. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, जो अगर कोई डिजास्टर आने वाली है, कोई सुनामी है, कोई अर्थक्वेक है, कुछ भी लैंडस्लाइड है, किसी भी तरह की अगर कोई अनहोनी घटना होने वाली है तो वो ह्यूमन से पहले, उनको इंसानों से पहले जानवरों को ये पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है. वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स सेंस और नो, हम श्योर नहीं हैं इस बारे में कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है कि नहीं. बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन तथ्य ये बताते हैं दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन द डजन कंट्रीज बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेथ. लेकिन फैक्ट ये बताते हैं कि जो ये सुनामी आई थी उसने इंडियन ओशन और पूरे वर्ल्ड की कंट्री जहाँ जहाँ ये सुनामी आई थी लगभग 150,000 पीपल जो थे उसमें मरे थे, और लेकिन एनिमल जो थे वो बहुत कम मात्रा में मरे थे, ठीक है. अलोंग इंडियाज कैडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटनागला बीच इनसाइड द पार्क. अलोंग इंडियाज कैडलोर कोस्ट, यानी कि ये कोस्ट का नाम बता रखा है,
एक कोस्टल एरिया है जिसका नाम है कडलर, ठीक है, जहाँ पर जो बहुत सारे लोग थे, बफलोज थी, गोट्स थी, डॉग्स थी, वर फाउंड अनहार्म्ड, ठीक है, वहाँ पर इन लोगों को, इन जानवरों को बहुत कम नुकसान हुआ था। द याला नेशनल पार्क, श्रीलंका का याला नेशनल पार्क है, इसे वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, एलिफेंट है, लेपर्ड्स हैं, और भी कई बर्ड स्पीशीज़ बता रखी हैं। 60 विजिटर्स वर वाश्ड अवे फ्रॉम द पटनागाला बीच इनसाइड द पार्क, जो पार्क के अंदर उस टाइम गए हुए थे 60 विजिटर्स जो थे वो, बट नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर टू वाटर बफलोज, बस दो बफलोज के अलावा और किसी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, एक घंटा पहले, सुनामी के आने से एक घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनागाला बीच। लोगों ने देखा कि 3 जो हाथी हैं वो पटनागाला बीच से भाग रहे हैं। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द गाले सेड, एक श्रीलंकन जेंटलमैन ने बोला, बताया, His two dogs would not go for their daily run on the beach. तब उस टाइम पे जो है उसके जो दो कुत्ते थे वो भी बीच पर डेली रन के लिए नहीं गए थे, यानी जैसे रोज़ जाते थे सुबह तो वो नहीं गए थे। They are usually excited to go on this outing. जनरली तो वो, जो श्रीलंकन जेंटलमैन ने बताया कि जनरली तो डॉग बहुत एक्साइटेड होते थे बाहर जाने के लिए, ही सेड, बट ऑन दैट डे, जिस दिन सुनामी आई, दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने मना कर दिया बाहर जाने से, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इसी तरह उनकी लाइफ जो थी वो बचा ली। कॉम्प्रिहेंशन चेक इसमें भी दे रखा है, आंसर यूजिंग ए फ्रेज और सेंटेंस, इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, 4 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स। थैंक यू स्टूडेंट।